नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनवर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में। तो क्या है ये कैपस्टोन मिशन नासा का? नासा का कैपस्टोन सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से अलग होकर अब बढ़ रहा है चंद्रमा की कक्षा की तरफ। जी हाँ, नासा के रिसर्चर्स ने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम आपको बता दें, सिस लूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कैपस्टोन कहते हैं। आपको बता दें, प्रक्षेपण रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट पर हुआ है। आपको ये भी बता दें कि कैपस्टोन एक माइक्रोवेव ओवन के आकार का अंतरिक्ष यान है, जिसका मकसद या उद्देश्य एक विशिष्ट प्रकार की चंद्रमा की कक्षा का अध्ययन करना है, और जो चंद्र गेटवे अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उपयुक्त होगा, जिसे नासा एक दशक के अंत में लॉन्च करने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। हर हाल में, जी हाँ, चंद्र गेटवे से मतलब ये है कि ये अंतरिक्ष स्टेशन कक्षाओं में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक छोटा अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जहां वे चंद्रमा की सतह पर जाने से पहले और आने के बाद रुक पाएंगे। वहीं हाल ही में नासा का कैपस्टोन सैटेलाइट, जो पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, सोमवार को सफलतापूर्वक कक्षा से अलग हो गया और अब यह चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। 22 जून को न्यूजीलैंड के महिला प्रायद्वीप से इलेक्ट्रॉन रॉकेट प्रक्षेपित किया गया, जो अपने साथ फोटोन नामक एक दूसरा अंतरिक्षयान ले जा रहा था। अंतरिक्षयान के इंजन के सोमवार को समय समय पर चलने पर फोटोन अंतरिक्षयान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण अलग हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इसने उपग्रह को उसके रास्ते पर भेज दिया। जी हाँ, उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक बार फिर चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना के तहत नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। जानकारी दें आपको तो फिलहाल इस उपग्रह को चांद पर पहुंचने में 4 महीने तक का समय लगेगा। बेग, जो रॉकेट लैब के संस्थापक हैं, नेदा एसोसिएटेड प्रेस से कहा कि उनके लिए अपने उत्साह को शब्दों में बयां कर पाना कठिन है। बेग ने कहा कि इस परियोजना पर हम 2-2.5 साल का समय लगा चुके हैं और इसका क्रियान्वयन बहुत ही कठिन था। बेग ने कहा कि सापेक्ष दृष्टि से कम लागत वाला यह अभियान अंतरिक्ष अभियान की दिशा में नए युग की शुरुआत करेगा। नासा ने इस पर $3.27 करोड़ खर्च किए हैं। बेग ने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि अब कुछ करोड़ अमेरिकी डॉलर में आपके पास रॉकेट और अंतरिक्ष यान होंगे, जो आपको सीधे चंद्रमा, क्षुद्र ग्रहों और शुक्र और मंगल ग्रह पर भी ले जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर आगे का अभियान सफल रहता है तो कैपस्टन उपग्रह अहम सूचनाएं महीनों तक भेजता रहेगा, और साथ ही नासा की योजना कच्ची मार्ग में एक गेटवे नामक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की है, जहां से अंतरिक्ष यात्री इसके आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत चंद्रमा की सतह पर उतर पाएंगे। बेग ने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि नई कक्षा का महत्व यह है कि इससे ईंधन का इस्तेमाल कम हो जाता है और यह उपग्रह या अंतरिक्ष स्टेशन को धरती के लगातार संपर्क में रखती है। तो ये थी बात नासा के कैपस्टोन मिशन की, जो लॉन्च हो चुका है, और ये कैपस्टोन सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से अलग होकर अब बढ़ रहा है चंद्रमा की कक्षा की तरफ। समय पर हम आपके लिए रिसर्च से जुड़ी खबरें लाते रहते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इतना ही।